जी हाँ, आदिवासी बोली से बदलेगी तस्वीर। रायपुर से खबर है, जहां पर शिक्षक दिवस पर छात्र हित में सीएम बघेल ने कई बड़े फैसले लिए हैं। स्कूलों में हफ्ते में एक दिन छत्तीसगढ़ बोली को समर्पित रहेगा। छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली में पढ़ाई की जाएगी और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई होगी और पांचवी क्लास से कंप्यूटर की शिक्षा को भी अनिवार्य किया गया है। भारतीय परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है और संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी आन है, हमारी बान शान है, और सी को प्रमोट करने के लिए देखिए बघेल सरकार ने टीचर्स डे के मौके पर ये बड़ा ऐलान किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में एक क्लास संस्कृत का ही होगा। चौथी कक्षा के बाद से कंप्यूटर क्लासेस अनिवार्य होंगे और एक दिन सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में और जो आदिवासी अंचल है वहाँ उनकी भाषा उनकी बोली में, चाहे कुड़ूक हो, चाहे सादरी हो, सरगुजिया हो, चाहे बस्तर में आप आए गोड़ी हल्बी दुरला, इसमें कार्य होंगे। तो ताकि बच्चे अपनी जो मातृभाषा है, बोली है, उसका उन्नयन हो सके, अपनी बोली से भाषा से जुड़े रहे, इसके लिए प्रयास। तो देखिए जो बड़ा ऐलान किया है शिक्षा के हित में, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाने का नियम बनाया गया। आदिवासी एसटी विकास विभाग में बाकायदा इसके शब्दकोश तैयार किए गए हैं। हल्बी, भत्री, सरगुजिया, कोरबा, पांडो, ये तमाम ऐसे बोली है। कुदुख, कमारी शब्दकोश पुस्तकें तैयार की गई है। बाकायदा रिसर्च किया जा रहा था और किताबों का इस्तेमाल स्कूल में बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाने का बाकायदा नियम है और सीएम ने बाकायदा स्थानीय भाषा में पढ़ाने का ऐलान 2020 में ही किया था। उसके बाद रिसर्च किया जा रहा था, शब्दकोश तैयार किए जा रहे थे। हल्बी, भात्री, सरगुजिया, कोरबा, पांडो, ये तमाम ऐसे बोली है, डायलेक्ट है। कुदुक, कमारी शब्दकोश पुस्तकें तैयार की जा रही है और इन्हीं पुस्तकों को तैयार करके, इनका इस्तेमाल करके बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा।